मध्य प्रदेश के सागर में लुटेरों के हौसले इतने बुलंद है कि वे अब दिन दहाड़े ही लोगों को झांसा देकर लूट की घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं। ताजा मामला सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां दो अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से घर की बाधाएं दूर करने का झांसा देकर सोने के गहने लूटने की घटना को अंजाम दिया है। वारदात सामने आते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है। अब आपके शहर सागर में छत्रपति शिवाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध, समस्त बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं ऑपरेशन, तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज रोड द्वारका बिहार चौराहा सागर मध्य प्रदेश। दरअसल यह पूरी घटना सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के इतवारी वार्ड से सामने आई है, जहां शीतला मां मंदिर के पास रहने वाली 65 वर्षीय कमलाबाई सेन रोजाना की तरह बाजार से दूध लेने गई हुई थी। तभी बड़ा बाजार के पास उन्हें एक युवक मिला। उसने वृद्धा से किसी व्यक्ति का पता पूछा। वृद्धा ने जानकारी नहीं होने की बात कही। इसके बाद बदमाश वृद्धा को उसके घर की परेशानियां बताने लगा। तभी दूसरा युवक मौके पर आया और कमलाबाई को बातों में उलझाया और कपूर लाने को बोला। उसने कहा कि पूजा कर देंगे तो तुम्हारे घर की बाधाएं ठीक हो जाएंगी। वृद्धा कपूर लेने गई और वापस आई, जिसके बाद बदमाशों ने कमलाबाई से गले में पहना मंगलसूत्र उतरवाकर थैली में रखवा लिया। झुमकी उतारने का बोला तो वृद्धा ने उतारने से मना कर दिया, जिस पर बदमाश बोला कि तुम्हारे घर पर बाधा है, शाम तक बेटे की मौत हो जाएगी, मैं पूजा करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वृद्धा ने झुमकी भी उतारकर थैली में रख दी। कुछ देर बाद बदमाश ने कहा कि 40 कदम पैदल चलो फिर सब ठीक हो जाएगा। कमलाबाई पैदल चलते हुए 40 कदम गईं और वापस लौटकर आईं तो दोनों बदमाश गायब थे, वे गहने भी ले गए थे। धोखाधड़ी होने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही मोतीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं कमलाबाई की शिकायत पर अज्ञात दो बदमाशों के खिलाफ मोतीनगर थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। क्या हो गया भाई? लेके जा रहे थे घर, दस्तावेज में लोग कहने लगो तुम नीतू शर्मा को घर बता दू। हमने कि भाई हमें नहीं है पता, एक और साइड में खड़ो तो वो से पूछी वो भी कहने लगो हमें नहीं है पता। बस भी दो संगे हो गए। फिर हमारे भविष्य के बारे में बताने लगो, कहने लगा तुम्हारे दो बेटा है, बेटी है, दामाद नहीं है तुम्हारे, और है तो तुम्हारे लड़का को बहुत खतरा ये है। सब कुछ सच सच बता रहा, बिल्कुल सच बता रहा बेटा, नहीं वो वो वो, वो हाँ बिल्कुल सच सच बताई। और कहने लगे तुम बड़ो चाहत हो तुम्हारे आगे तो तुम्हारे घर के बड़न देंगे। किस तरह का था वो व्यक्ति? वो ऐसा ही तो अच्छो थोड़े ज्यादा बड़ो थोड़े बाबा टाइप का था क्या? नहीं बाबा मावा नहीं, तो जैसे शर्ट पैंट पहने रहते हैं सही पहने थे, दो ही पहने। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर बस वो हमारे साथ में आओ कहाँ से कहाँ आया? सत्यनारायण की घटिया उतर के और कितने तक आओ, जहाँ बी एस जैन की तखट डरी हरी बाजार में, बड़ी बाजार में सोचे तक हम साथ में आए, भी दो ही आए साथ में। फिर कहने लगा कपूर ले आओ, तो हमने कहीं खजूरिया बारो के तैसे ले ले रहे कपूर, तो वो तैसा नहीं कह रही थे चलो ये पूरी दुकानों पर नहीं थी, सो ये आखिरी में है दुकान, तैसे हमने 10 रुपया को कपूर लाओ। वो इतने खड़ा होगा दूसरा वालों, और एक तो बहुत ही खड़ो रहो, ये कितने खड़ा होगा, हम कपूर लेके आए तो बात करा था। कहने लगो तुम्हारे घर में बहुत परेशानी है और देवी को क्या क्या चला गया? हमारे कान की कंचड़ी है और झुमकी है कान की सोने की और मंगलसूत्र है सोने को, दो अंगूठी पहने थे। कितने का कितना होगा सामान? अब बेटा हम का जाने जाता, कितने बजे की बात? 9:30 बजे अभी दिन की बात। दिन की कहाँ रहते हो आप? हम इतवारी टोरी पे रहे। क्या नाम है आपका? कमलाबाई सेन। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।